सदन में लगभग 150 सांसदों के सस्पेंड होने पर राहुल गांधी ने मीडिया से की बात। संसद भवन में एक एक करके 141 सांसदों को वर्तमान सरकार ने सस्पेंड किया, उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराकर सरकार को घेरने की कोशिश की। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। I'm suspended। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है, एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो, क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता। मैं भी शुमार हूं, मैं बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं, आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है, एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो, क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर, जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति इस तरह की हरकत। देखिए किस तरीके से भारत का इतिहास में पहली बार 141 जो संसद को सस्पेंड करने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके डंका बजाते है, हां भारत का मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, यही नरेंद्र मोदी जी देश में आ जाते हैं पार्लियामेंट में फादर ऑफ हिपोक्रेसी करता है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। इनका क्या है, इनका कतरे क्या है, इस देश का युवा कतरे में, महिला कतरे में, किसान सभी वर्ग सभी समाज कतरे पे है, उस बात को बात करने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी का जो छूक हुआ है उसको सवाल पूछे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जवाब कहाँ देना, पार्लियामेंट में देना, ये मीडिया के सामने दे रहा है। अरे भाई क्या क्या आप लोग ने क्या इस देश में चल रहा है। इनका जो दूड़ी जी है, समाज ऐसे ऐसे समाज को गंदी गंदी गालियां संसद में दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जो जो भी सिक्योरिटी वहाँ चूक हुआ उसका जो कारण है, प्रताप सिंह वो अंदर है, वो प्रज्ञा जी अंदर है, तो बाहर कौन है? इस देश के लिए हमेशा लड़ने वाले पार्टी कांग्रेस, तमाम अपोजिशन पार्टी का सारे संसद को सस्पेंड कर दिया है, ये तानाशाही जो सरकार चला रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये लोग चाहते हैं इसको कोरिया बना दो, इसको चीन बना दो, ये सर्वाधिकार करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा, ये नाथुराम गुडसे का देश बनाना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा ये महात्मा गांधी जी का देश है, महात्मा गांधी जी का देश रहेगा। आप कुछ भी कोशिश करो, आप कुछ भी ये करो, ये देश का युवा है ना जो बेरोजगार युवा, ये युवा को बेरोजगार नहीं दे पाए तो ये क्या दे सकता है इस देश में। इस देश का युवा जब जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है, ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया है, इन लोगों का सारे वादा झूठे। अभी लेटेस्ट वादा था राजस्थान में बड़े बड़े मोदी का बैनर, 450 रुपए में सिलेंडर। अभी कांग्रेस का एमपी ने सवाल पूछा, जवाब क्या है, ये चुनाव का जुमला है। इतने झूठ पॉलिटिक्स बंद करो भाई, हमने पुलिस प्रोवाइड करने को तैयार है, जो इनके हाथ में सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, मैंने आज 50-100 लोग आज सिक्योरिटी लाया हूँ, वो हमने देने को तैयार है। तो आप संसद आपने बचा नहीं पा रहे, वहाँ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, देश में कहाँ देगा।